है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ऐसे बोल को अमर करने वाले सदी के महान अभिनेता मनोज कुमार, जिन्होंने भारत में प्रीत को रीत बना दिया। मनोज कुमार की पैदाइशी 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद मौजूदा पाकिस्तान में हुई थी। विभाजन के समय इनका परिवार दिल्ली के एक शरणार्थी कैंप में आकर रहा। कुछ दिनों बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में जाकर बस गए। इनके माता पिता के द्वारा दिया गया नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। फिल्मी जगत में कदम रखने के साथ ही इनके नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले मनोज कुमार, उसके बाद फिल्म से हासिल स्टारडम से इन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाने लगा। अभिनय जगत में मनोज कुमार को पहचान दिलाने व सुपरहिट साबित करने का श्रेय निर्माता और फिल्म निर्देशक विजय भट्ट को जाता है, जिन्होंने 1962 में फिल्म हरियाली और रास्ता में अभिनेता मनोज कुमार को लीड एक्टर के तौर पर रोल दिया और फिल्म हिट साबित हुई। फिल्म में बतौर को एक्टर माला सिन्हा को लिया गया था। माला और मनोज की जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर काफी सराहा गया। वैसे मनोज की पहली फिल्म फैशन 1957 में रिलीज हुई, जिसमें मनोज का रोल एक भिखारी के रूप में था। मनोज कुमार को जिन खास फिल्मों के लिए याद किया जाता है, उसमें 1962 में प्रदर्शित हरियाली और रास्ता, 10 नंबरी, हिमालय की गोद में, सन्यासी, क्लर्क, शहीद, वो कौन थी, उपकार, नील कमल, पूरब और पश्चिम, शोर, क्रांति, मैदान जंग, पत्थर के सनम आदि फिल्में शामिल हैं।